हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन नेवी के एमआर और एसएसआर के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो इंडियन नेवी के एसआर और एमआर का पेपर जो अभी फाइनली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एमआर का आखिरी पेपर 15 को था और एसएसआर का पेपर अब ख़त्म हो चुका है। जिन जिन बच्चों ने मेरे इंडियन नेवी के एसआर की जो कट ऑफ है वो नहीं देखी है, तो वो कट ऑफ वाले सेक्शन के अंदर हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर मैंने कट ऑफ के अंदर वीडियोस में आपको डाला हुआ है। वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने इंडियन नेवी के एसएसआर के बच्चों के लिए कट ऑफ डाली हुई है और एमआर के क्या कट ऑफ रहने वाली है वो की भी मैं जल्दी डाल दूंगी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों के से आज बात करना चाह रही हूँ कि भाई जो कई सारे बच्चे हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा। बेसिकली जो रिजल्ट है आपका 25 से लेकर आप लोगों के 30 दिन के अंदर रिजल्ट आने की संभावना है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि अगस्त तक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त के सेकेंड वीक के अंदर या थर्ड वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और सेप्टेम्बर के अंदर आपकी सेकेंड स्टेज की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो सभी बच्चों को मैं यही बोलती हूँ कि जो जो बच्चे अभी हमारे बच्चे एग्जाम दे के आए हैं सभी के सभी सेकेंड स्टेज की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चली जाती है, जिसके अंदर क्या हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि एट अ टाइम तैयारी करेंगे और पता चले एट अ टाइम तैयारी नहीं हो पाई। उसी चीज के लिए आप सब लोगों के लिए लेके आई हूं आज वीडियो की सिलेक्शन सेकंड स्टेज के अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बच्चे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नेवी किसे रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को पता चलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि हमारा नेवी एसएसआर के अंदर सेकंड स्टेज के अंदर बेसिकली क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारा, देखो सबसे पहली बात कि हमारा जो स्टेज होता है, स्टेज जो वन है, तो स्टेज वन क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। यानी कि आप लोगों का जो स्टेज वन रहेगा वो क्वालिफाइंग एक बेसिक कट ऑफ के हिसाब से, अगर बेसिक कट ऑफ के ऊपर हो तो जितने भी मार्क्स ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जो आपकी स्टेज टू है वो मायने रखती है। अब स्टेज टू के अंदर क्या होएगा, आपका जैसे कॉल अप लेटर आएगा, सो बेसिकली उसके अंदर क्या होएगा आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप लोगों का क्या होएगा, 20 से जब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आते ही आपके कुछ एक दिन के अंदर आपका कॉल अप लेटर आपकी आईडी में आ जाएगा। रिजल्ट कहाँ आएगा? वहीं आपकी ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के अंदर वहाँ पे आप लोगों की क्या रहेगी, आप लोगों को बता दी जाएगी कि भाई हाँ भी आपका कुछ टाइम बाद में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। सो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का क्या होएगा वहाँ पे आप लोग जैसे ही उस दिन जाओगे, मतलब जहाँ पे भी आप लोगों को बुलाया जाएगा सेंटर पे, तो जिस सेंटर पे आप लोगों को बुलाया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। जैसे ही सुबह सुबह आप लोगों का मतलब आओगे एंटर करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, देन आपका फिजिकल होएगा। तो ये मत सोचिएगा कि सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होएगा, नहीं, कई सारे बच्चों को फिजिकल में ये निकाल दिया जाएगा। तो मतलब यू समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फिजिकल होएगा, पीएफटी होएगा, देन रिटन एग्जाम होएगा और देन आप लोगों की मेडिकल्स वगैरह सब कुछ चेकअप होएगी और देन आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। पूरे एक दिन का पूरा एक प्रोसेस होएगा। सो इस प्रोसेस में क्या होएगा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जो कि आप वहाँ लेके गए थे, यानी कि आपके फर्स्ट स्टेज में लेके गए थे, जैसे कि डोमिसाइल हो गया, 10th या 12th की मार्कशीट हो गया, या फिर हमारा एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड जो है, आधार कार्ड, तो ऑब्वियसली ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है जो फर्स्ट स्टेज में थी वो सारी की सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है। सभी बच्चों को सबसे पहले बोल रही हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जानी है। और एडमिट कार्ड जो है, मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि कोई भी एडमिट कार्ड फेंकेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज का भी एडमिट कार्ड चलेगा और सेकंड स्टेज का भी, आप कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड निकाल के लेके आना। सो वो दोनों एडमिट कार्ड जरूरी होंगे। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि भाई हमें, मैंने फर्स्ट स्टेज अभी मेरा हो गया एमआर का एग्जाम या एसएसआर का एग्जाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है। नहीं, आप लोगों को एडमिट कार्ड की उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो सभी के सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात कर ली जाए कि हमारा फिजिकल, देन आपका फिजिकल होएगा, डॉक्यूमेंट एक बार वेरिफिकेशन हो जाए आपको एंट्री मिल जाएगी, एंट्री मिलने के बाद में आप लोगों का क्या होएगा, फिजिकल होएगा। फिजिकल में क्या क्या होएगा, आप लोगों को रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग कितनी होएगी, 1600 मीटर होएगी। सो 1600 मीटर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, 6.5 मिनट के अंदर तो बॉयज़ को क्लियर करना है 1600 मीटर और 8 मिनट के अंदर गर्ल्स को, फीमेल्स को क्लियर करना है। सो मैं ये जो टाइमिंग है आप सब लोग प्लीज़ समझिए, जो टाइमिंग
टाइमिंग है वो इसे कम ही समझिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है कि आप लोगों की जो टाइमिंग है वो कम से कम जैसे 5-6.5 मिनट कह रखा है, तो हो सकता है 6 मिनट वाले या फिर 5.5 मिनट वाले जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर जाएं। तो फिज़िकल जो है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि 6.5 मिनट के अंदर आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, आपको टाइमिंग जो है अपने 1600 मीटर की बहुत ही कम लेके आनी है। सेम विथ फीमेल्स, ठीक है, इससे कम ही टाइमिंग लेके चलिएगा। देन आपके स्क्वाड्स होंगे, स्क्वाड्स कितने होंगे, मेल के लिए कितने हैं, 15 है, और फीमेल के लिए 10 हैं, ठीक है। देन आप लोगों के लिए सिटअप्स होंगे, सिटअप्स कितने, 15, और देन फीमेल मेल वही है, मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10 हैं, ठीक है। देन आपकी बात की जाए कि मैम मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, मतलब मेरिट लिस्ट में किस किस का नाम आ सकता है, किस किस का नहीं आएगा, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी जो स्टेज वन है, स्टेज वन जैसी है क्वालिफाइंग है, तो आप लोगों के जो मार्क्स आए हैं वो सिर्फ कट ऑफ के हिसाब से आए हैं, यानी कि अगर आपने कट ऑफ में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप भी इतने ज़्यादा मार्क्स है तब भी आप क्वालिफाइड हो, यानी कि आपकी स्टेज वन मैटर नहीं करती है मेरिट लिस्ट के अंदर। मेरिट लिस्ट के अंदर क्या मैटर करता है, मेरिट लिस्ट के अंदर मैटर करता है आपकी फेज टू के लिए। सो फेज टू, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्या पूछी जाती है फेज टू के अंदर, जैसे PFT हो गया, फिजिकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके मेरिट में मार्क्स बनने के लिए। फिजिकल हो गए, हमारा रिटन एग्जाम का जो हमारा जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के जो हमारा मेरिट लिस्ट के अंदर। तो याद रखना आपका जो फेज टू के अंदर जो रिटन एग्जाम रहेगा वो ही मैटर करता है, हमारा ये वाला जो एग्जाम हुआ है वो मैटर नहीं करता मेरिट लिस्ट के अंदर। क्लियर ये बात, सबसे पहली बात कि रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, रिटन एग्जाम जो रहेगा आपका इजी लेवल का आएगा, सबसे पहली बात इजी लेवल का आएगा। दूसरी बात, आप लोगों की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आप 10-15 भी क्लियर करके आ जाते हो ना, और उसके बाद में आप तुक्के मार दोगे, तुक्के मार के भी आप 20-30 कर लोगे, सो धीरे-धीरे करके आप लोग कट ऑफ के ऊपर ही जाओगे, ठीक है। सो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि रिटन के एग्जाम के लिए तैयारी करना छोड़िए मत, ठीक है। रिटर्न का एग्जाम बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जितना ज्यादा हो सके आप सब लोग सही करने की कोशिश करिए। और अगर आप सब लोगों से यूं भी होता है कि फाइनल एग्जाम के अंदर आप लोगों को लगता है कि कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते, तो भी उसके अंदर तुक्का मार के आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके अंदर हो सकता है आपके कुछ तुक्के सही भी हो जाए, ठीक है। वैसे तो होते ही है सभी के सारे के सारे तुक्के, मतलब सभी के ये मान के चलिए 15-20 एक तुक्के तो सही निकल ही जाते हैं, इसलिए हमारे रिटर्न हमारे जो फेज टू के रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो सबसे पहली बात, इजी एग्जाम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस हिसाब से ये मत सोचिएगा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ही हमारी मेन मेरिट लिस्ट आती है। देन आप लोगों की मेडिकल्स होंगे, मेडिकल्स में वही है, आप लोगों की आईज वगैरह चेकअप की जाएगी, हमारे नी नॉक नीज हो जाएगा, या फिर आप लोगों का हो जाएगा दूसरी चीज़ें जैसे कि आप लोगों की चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह, हाइट, वेट वगैरह, ये सब चीज़ें चेक की जाएगी। तो ये सब चीजें आप लोगों की थोड़ा सा संभल के चलना है, ठीक है, ये सब चीजें आपको माइंड के चलनी है। देन आप लोगों का क्या होगा, जैसे ही आप लोगों की मेडिकल वगैरह आपकी जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद में आप लोगों को INS चिलिका भेज दिया जाएगा। सो INS चिलिका के अंदर भी आप लोगों का मेडिकल्स होएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि INS बेसिकली जो आपका मेन जो मेडिकल है वो यहां पे होएगा। अगर आपने ये मेडिकल पार कर दिए तो वहां पे तो बड़ी आसानी से आप मेडिकल पार कर ही जाओगे। तो बात की जाए मैडम, कई सारे बच्चे होंगे कि मैडम कट ऑफ के रिलेटेड भी बात कर रहे होंगे, तो कट ऑफ के लिए मैंने जैसा कि कहा था कि मैंने SSR की ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, कि जो जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे जो जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हरियाणा हो गए, यूपी, राजस्थान, बिहार, ये स्टूडेंट्स हो गए, जैसे राजस्थान हो गया, और उसके अलावा जैसे उत्तराखंड हो गया, सो उनकी ये मान के चलिए 30 के अबव है, तो डेफिनेटली आप सब लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 30 के अप्रॉक्सीमेटली भी है, यानी कि उससे थोड़ी सी नीचे भी है, तो डेफिनेटली आप सब लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी हमारे दूसरे स्टेट्स हो गए, जैसे गुजरात हो गया, या फिर उसके अलावा हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके अलावा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इनकी कट ऑफ बहुत ही डाउन जाती है, तो आपके 20 से लेकर 30 मार्क्स है तो भी चल सकता है। उसके अलावा बात की जाए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, या फिर जम्मू कश्मीर तो हमारे 20 से लेकर 30 के अंदर आएंगे। बात की जाए हमारे जैसे कि हमारे हो गए ये जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हो गए, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग
कट ऑफ जाने वाली है, और एकदम साउथ स्टेट के जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनकी भी कट ऑफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो ही जाती है। हाँ, तमिलनाडु का थोड़ा सा एक अलग केस है, तमिलनाडु के अंदर जो 20 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाती है। सो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब लोग जो है आप सब लोग अपनी रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है रिटर्न की और साथ में फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली करना शुरू कर दीजिए। और भी कोई जानकारी पूछनी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और मैं सभी बच्चों से गुजारिश करती हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप लोगों को आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन रेगुलर जानकारी मिलती रहे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल मेडिकल पे वीडियो लेके आऊँ तो वो भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और चीज़ के ऊपर टॉपिक भी वीडियो लेके आनी है या इन्फॉर्मेशन लेके आनी है सो वो भी हम एक बार आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए बाय, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। बाय।